उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बारिश की परवाह न करते हुए गोरखपुर में निर्माणाधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स गोरखपुर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया। साथ ही ओपीडी डिपार्टमेंट में पहुंचकर डॉक्टरों की कार्यशैली से अवगत हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजिटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद एम्स निर्माण कार्यों के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने एम्स के चिकित्सकों और प्रथम वर्ष के 50 एमबीबीएस स्टूडेंट को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वे अत्यंत प्रसन्न हैं। सीएम ने कहा कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने का जो सपना देखा था वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुकंपा से गोरखपुर को एम्स मिला। 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास हुआ और 24 फरवरी 2019 में एम्स गोरखपुर की ओपीडी प्रारंभ होना और इसी वर्ष एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में यहां प्रवेश हुआ। आज मुझे एम्स गोरखपुर का निरीक्षण करने और यहां की प्रगति को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सचमुच देश के अंदर एम्स के जितने भी निर्माणाधीन शाखा है उसमें गोरखपुर एम्स की प्रगति सबसे अच्छी मानी जा सकती है। यह उत्कृष्टता बनी रहे आज इसके लिए मुझे यहाँ के प्रशासनिक तंत्र डायरेक्टर प्रोफेसर संजीव मिश्रा, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और फैकल्टी मेंबर्स, नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के साथ संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार मिल करके जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रयास है कि ओपीडी ब्लॉक अक्टूबर 2019 में यहां का जो हॉस्पिटल 350 बेड का अगले वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध होने के साथ ही सितंबर अक्टूबर 2020 में एम्स गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो। 2021 के प्रारंभ में एम्स और फर्टिलाइजर दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से हो। पूरी तैयारी हम लोगों की है। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा, मंडलायुक्त जयंत नालीकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा थोड़ा सा आगे सर जी। हम लोग इस गेट से अंतर की मेडिकल कॉलेज ये आयुष यहाँ पर ओपीडी चल रही है। ओपीडी प्लस हॉस्पिटल है। ये ओपीडी होगी ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अक्टूबर 20 में होगा ये अक्टूबर में हो जाएगा सर। ठीक है। और ये 300 बेड अप्रैल में जाएंगे 420 सितंबर को। और ये सर्विस ये बिल्डिंग कब कंप्लीट होगी? दिसंबर में कंप्लीट। इसमें ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पूरा तैयार है। इस समय पढ़ाई शुरू होगी इसी में। ये आयुष बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अभी ओपनिंग चल रही है। और बाकी इधर क्या बनेंगे सब? सर ये फ्यूचर एक्सपेंशन का ये जो बिजली आ रही है इधर आ रही है यूपीपीसीएल की यहाँ आ रही है यहाँ से टैप की। सुंदर स्टेडियम का है ये प्ले फील्ड है सर। स्पोर्ट्स का ये फ्यूचर में करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें करनी पड़ेगी। और भी चीजें आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ सकते हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि एम्स की जो रेपुटेशन है उसको बनाए के साथ।
तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर सूर्यकांत सेठ हैं सर, ठीक है, डॉक्टर चाकू दे सर जी, नागपुर से आप से उड़ीसा से, वाह मैडम सीनियर रेजिडेंट हैं पढ़ रहा है बहुत बड़ा बड़ा पानी में किसी भी चीज़ नहीं है, 20 रुपया दे बाबा सर, आप 10 रुपया जमा कर अत्यंत प्रफुल्लित हूँ कि गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों ने उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के एक केंद्र को विकसित करने का जो सपना देखा था आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा से गोरखपुर को एम्स मिला। 22 जुलाई 2016 को एम्स गोरखपुर का शिलान्यास, 24 फरवरी 2019 में एम्स गोरखपुर की ओपीडी प्रारंभ होना और इसी वर्ष एमबीबीएस के प्रथम वर्ष में भी यहां प्रवेश हुआ है। आज मुझे एम्स गोरखपुर का निरीक्षण करने और यहाँ की प्रगति को नज़दीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। सचमुच देश के अंदर एम्स के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें गोरखपुर एम्स की प्रगति सबसे अच्छी मानी जा सकती है।
ये उत्कृष्टता बनी रहे आज इसके लिए मुझे यहाँ के प्रशासनिक तंत्र से, यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर संजीव मिश्रा जी से, यहाँ के जो एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, नव प्रवेशित जो 50 छात्र छात्राएं हैं उनके साथ भी संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रयास है कि ओपीडी ब्लॉक अक्टूबर 2019 में यहाँ का जो हॉस्पिटल 350 बेड का हॉस्पिटल अगले वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध होने के साथ ही सितंबर अक्टूबर 2020 में फुल फ्लेज एम्स गोरखपुर वासियों को प्राप्त हो और 21 के प्रारंभ में एम्स और फर्टिलाइजर दोनों का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से फिर से हो, इस दृष्टि से पूरी तैयारी हम लोगों की है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एम्स प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, जो कार्यदायी संस्था है हाइट्स और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं L&T, कार्य इन्होंने बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। विश्वास करता हूं कि समय सीमा के अंदर इन सब कार्यों को कराते हुए एम्स गोरखपुर ने अब तक जो उत्कृष्टता बनाई है यह आगे भी इसी रूप में बनाएगा, मैं इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार के स्तर पर इन कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हमारा प्रशासन, हमारा शासन भरपूर सहयोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ देगा।